कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इत्तेफाक नगर की निवासी फरहाना की हत्या उसके जेठ के लड़के शोएब ने ही की थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि फरहाना व शोएब के बीच संबंध थे। फरहाना उस पर शादी करने का दबाव बनाते हुए 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। परेशान होकर शोएब ने उसे मौत की नींद सुला दिया। बीती रात जब उसकी निशानदेही पर फरहाना का शव बरामद किया गया तो शोएब ने वहां रखे तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जब अभी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। दरअसल फरहाना के पति का नाम नौशाद है जबकि जेठ का लड़का शोएब लावड़ इचौली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच संबंध थे। 11 सितंबर को शोएब ने फरहाना को मिलने के लिए बुलाया था। वहीं शोएब ने उसकी गला दबाकर हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया था। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। सर, चाची के प्यार में पागल हुए भतीजे ने चाची की हत्या कर पुलिस से सिफारिश की, क्या है पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला? देखिए, कल देर शाम थाना लिसाड़ी गेट पर एक महिला के परिजनों द्वारा अतरी दी गई कि इसके महिला के जो भतीजा है उसने उसका तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जो भतीजा है उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शोएब और जो उसकी चाची फरहाना उनके बीच आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी चाची इसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी, ये शादी नहीं करना चाहता था। कल इसी बात को लेकर कल देर रात इसने अपनी चाची को गला घोटकर हत्या कर दी और शव को इचौली के जंगलों में छुपा रखा है। शव की बरामदगी एवं जो तमंचा जिससे उसने अगवा किया था उसके लिए इसे इचौली के पास जमालपुर गाँव में लेके जाया गया, जहाँ पर शव पुलिस को महिला का शव बरामद हुआ। तभी वहाँ पर जो जिसने तमंचा फेंक रखा था शोएब ने उस तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पर गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसमें महिला के शव के पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है तथा इसमें अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें चाची की उम्र कितनी बताई जा रही है, कब से इसका प्रेम कर सकते हैं? इनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है और जो लड़का है उसकी उम्र 25 वर्ष है और इनका करीब 1.5 साल से इनका प्रेम चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।